खबर नोएडा से, जहां पर प्रीमिया बिल्डर के बड़े फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ है। प्रीमिया बिल्डर की धोखाधड़ी के शिकार लोगों ने नोएडा के सेक्टर 20 थाने में FIR दर्ज कराई है। बिल्डर पर नोएडा सेक्टर 62 में फर्जीवाड़ा कर अथॉरिटी की जमीन पर अपना बोर्ड लगाया और निवेशकों से करोड़ों की ठगी कर ली। जिस जमीन पर बिल्डर्स ने अपना बोर्ड लगाया था, वो जमीन बिल्डर को अलॉट ही नहीं की गई थी। इंडिया 24/7 समर्थता अनुराग चड्ढा की रिपोर्ट देखते हैं। यूपी में अवैध कब्जों के मामले तो आपने बहुत सुने होंगे कि दबंगों ने किसी की जमीन पर कब्जा कर लिया, लेकिन नोएडा में एक ऐसा मामला आया है कि जहां पर एक सफेद पोश बिल्डर ने ही सरकारी जमीन को अपने कब्जे में ले लिया। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये कब्जा कोई आज का नहीं है, करीब करीब एक साल पहले यहाँ पर कब्जा किया गया, लेकिन उस वक्त तो नोएडा अथॉरिटी के अधिकारियों की नींद नहीं जागी। लेकिन जब लोगों से इस बिल्डर ने प्री लॉन्चिंग के नाम पर करोड़ों रुपए ले लिए, तब जाकर अथॉरिटी के अधिकारियों की नींद जागी और इस बिल्डर के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि सेक्टर 62 का ये इलाका काफी पॉश इलाका माना जाता है, काफी बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज यहाँ पर हैं और यहीं पर ही नोएडा अथॉरिटी की एक लैंड पड़ी हुई है जो कि प्रीमिया बिल्डर ने पूरी तरह से कब्जा लिया। आप देख सकते हैं बाहर प्रीमिया बिल्डर के बड़े बड़े बोर्ड लगे हैं और अंदर की तरफ आप देखिए कि जो नोएडा अथॉरिटी की जमीन है वो खाली पड़ी है और उस जमीन के अंदर गड्ढा भी इस बिल्डर ने किया हुआ है। जब इस बिल्डर ने यहाँ पर प्री लॉन्चिंग की तो एक बड़ा शो आयोजित हुआ था, लोगों से यह बात कही गई थी कि आने वाले 3 साल में यहाँ पर फ्लैट बनकर तैयार हो जाएंगे, बहुत सस्ती कीमत पर वो लोगों को फ्लैट दे रहा है। तो लोगों ने प्री लॉन्चिंग के नाम पर करोड़ों रुपया इस बिल्डर को दे दिया, लेकिन जब यहाँ पर काम शुरू नहीं हुआ तो उसके बाद कहीं ना कहीं लोगों ने बिल्डर के यहाँ चक्कर लगाने शुरू किए, फिर बिल्डर इनको टकाने लगा। नोएडा अथॉरिटी ये बिल्डर की शिकायत लेकर लोग पहुंचे, लेकिन जब नोएडा अथॉरिटी के अफसरों ने जांच की तो पता लगा कि ये लैंड तो प्रीमियर बिल्डर को अलॉट ही नहीं है, ये लैंड अभी अथॉरिटी के कब्जे में है। तो आखिर कोई बिल्डर कैसे अथॉरिटी की जमीन को घेर सकता है? मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि इस बाउंड्री का नजारा दिखाए। आप देख सकते हैं कि जो नोएडा अथॉरिटी की लैंड है उस पर जो कब्जा है किस कदर किया गया है। चारों तरफ यहाँ पर प्रीमिया बिल्डर के पोस्टर लगे हुए हैं, झंडे यहाँ पर लहरा रहे हैं जैसे कि इस बिल्डर की अपनी लैंड हो। और अथॉरिटी ने अब इस बिल्डर के खिलाफ 420 की धाराओं में जमीन कब्जाने के मामले में रिपोर्ट दर्ज कर ली है। ये बिल्डर फिलहाल फरार बताया जाता है। हमने भी इस बिल्डर से बात करने की कोशिश की कि भी आखिर अथॉरिटी की जमीन पर वो कैसे अपने बोर्ड गाड़ सकता है, वहां की तरफ से कोई जवाब नहीं मिला है। जो निवेशक हैं वो परेशान हैं, उनका कहना है कि अथॉरिटी जाने बिल्डर जाने की विवाद क्या है, उनको तो अपने पैसों से मतलब है। नोएडा से कैमरामैन पवन के साथ अनुराग चड्ढा, इंडिया 24/7।